तो चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार प्रिय दर्शकों आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं उपाय जन्म कुंडली में तरह तरह के योग होते हैं कुछ ऋण होते हैं कुछ मातृ ऋण होते हैं कुछ ऋषि ऋण होते हैं यानी कर्जा और वो कर्जा हम जानते भी नहीं हैं कब लिया किससे लिया क्यों लिया अब उसका क्या होगा हम दान करके भी छुटकारा नहीं पाते उपाय करके भी हम छुटकारा नहीं पाते ऐसे में हम आपको देने आए हैं बहुत मूल्यवान उपाय अगर आपने ये वीडियो ध्यान से नहीं सुना नहीं देखा तो शायद आपका समय इतना अच्छा नहीं कहूँगा अगर अच्छा समय है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों आप को पता होगा कि जन्म कुंडली में बहुत सारे कर्ज होते हैं एक होता है स्व ऋण कुंडली के पंचम भाव में अगर पापी ग्रह हो तो ये होता है स्व ऋण स्व माने अपना अपना ही कर्जा किस जन्म का है नहीं पता तो इसके प्रभाव वश जातक निर्दोष होते हुए भी दोषी माना जाता है उसे शारीरिक कष्ट मिलता है मानसिक अवसाद मिलता है मुकदमे में हार होती है और कामों में संघर्ष करना पड़ता है पता है आपको इससे मुक्ति का क्या उपाय है जातक को क्या करना चाहिए अपने सगे संबंधियों से हाथ जोड़ करके निवेदन करके कुछ धन ले लें सगे संबंधियों जैसे भाई बंधु मौसा मामा चाचा दादा या फिर परिवार के लोगों से कुछ धन ले लें लेकिन बराबर लें किसी से पांच रुपया लिया तो किसी से दस रुपया लिया ऐसा नहीं पाँच लिया है तो पाँच पाँच ही लें यानी बराबर मात्रा में ले लें और उस धन के द्वारा आप कर दीजिए यज्ञ देखते जाइए आपकी जिंदगी में पुनः एक बहार आ जाती है एक सुनहरा अवसर आ जाता है ये रहा स्वर्ण का उपाय एक होता है मात्र ऋण मात्र ऋण जब होता है तो मनुष्य कैसे परेशान होता है चतुर्थ भाव में केतु होने से मात्र ऋण होता है इस ऋण से ग्रस्त व्यक्ति को धन की हानि होती है रोग सताने लगते हैं कर्जा लेना पड़ता है उसे शारीरिक कष्ट के अलावा प्रत्येक कार्य में असफलता मिलने लगती है पता है आपको इससे मुक्ति का उपाय क्या है इससे मुक्ति का उपाय है कि अपने खून की संबंधियों से बराबर बराबर चांदी लेकर के बहते पाने में बहा देना चाहिए और ये सोमवार को अथवा शुक्रवार को करना चाहिए चांदी चाहे एक ग्राम हो चाहे सौ मिलीग्राम हो यह मात्र ऋण का उपाय रहा अब एक होता है सगे संबंधियों का ऋण कभी ले लिया होगा याद नहीं रहता ऐसी अवस्था में भी हम परेशान हो जाते हैं और इसका पता जन्म कुंडली में कैसे चलता है जन्म कुंडली के प्रथम और अष्टम भाव में बुध और केतु हो जाए यानी कि लग्न में या अष्टम स्थान में बुध और केतु हो जाए तो यह कर्जा होता है ऐसे में जातक को बहुत हानि होती है संकट आते ही रहते हैं और कहीं भी सफलता नहीं प्राप्त होती पता है आपको इससे मुक्ति कैसे मिलेगी इसके लिए परिवार के सदस्यों से बराबर मात्रा में धन लेकर किसी शुभ कार्य में खर्च कर दिया जाए यज्ञ कर दिया जाए बाउड़ी बनवा दिया जाए हैंडपंप लगवा दिया जाए अथवा वृक्ष लगवा दिया जाए या श्रीमद भागवत की कथा राम कथा इत्यादि में लगा दिया जाए मतलब दान कर देना चाहिए निश्चित मानिए कि आपके जीवन के इस दुख को जाते हुए टाइम नहीं लगेगा चलिए हम आपको एक और ऋण बताते हैं तीसरे जन्म कुंडली के तीसरे और छठे भाव में चंद्रमा हो तो जातक को बहन का ऋण होता है अब बोलेंगे बहन का ऋण तो मैंने लिया ही नहीं कभी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं किसी जन्म में आपके पास बहन का कर्जा जरूर है अब जब बहन का कर्जा है तो जातक को जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा मैंने ऐसे कई लोगों को देखा और उपाय करवाया उसका प्रतिफल अच्छा मिला भिखारी को मैंने राजा बनते देखा है तो मेरे मित्रों संघर्ष बना रहता है और सगे संबंधियों से सहायता भी नहीं मिलती इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए अपने परिवार के सदस्यों से बराबर पीले रंग की कौड़ियां यानी दो कौड़ियां ली तो सबसे ले ले दादा पिता परदादा चाचा भाई बराबर बराबर पीले रंग की कौड़ियां लेकर उन्हें जला दें और उनको जलाने के बाद उसकी राख को पानी में प्रवाहित कर दें आपको समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा जन्म कुंडली में दूसरे और पंचम तथा नवम या बारहवें भाव में शुक्र बुद्ध या राहु हो तो ऋण होता है और इस ऋण से ग्रस्त व्यक्ति को बुढ़ापे में कष्ट मिलते हैं धन की हानि होती है और आदर सम्मान नहीं मिलता इससे मुक्ति के लिए परिवार के सदस्यों से बराबर धन लेकर किसी शुभ कार्य में खर्च कर देना चाहिए दान कर देना चाहिए जिससे कि पितृण से छुटकारा मिलता है एक होता है स्त्री का ऋण किसी जमाने में किसी जन्म में ले लिया होगा जन्म कुंडली में निशानियां बताता हूं दूसरे पांचवें दूसरे सातवें भाव में सूर्य चंद्रमा या राहु हो तो स्त्री ऋण होता है दूसरे घर में ये सप्तम घर में सूर्य यदि सूर्य नहीं तो चंद्रमा और राहु हो तो स्त्री का कर्जा होता है इस ऋण के फल स्वरूप ऐसे जातक को अनेक दुख मिलते हैं और उसके शुभ कार्यों में विघ्न आता है अगर इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो परिवार के सदस्यों से बराबर धन लेकर के गायों को भोजन करा दिया जाए सोमवार के दिन निश्चित मानिए आपको इसका प्रतिफल शीघ्र ही मिलेगा यह तो हो गया स्त्री का ऋण अब एक होता है असहाय कर ऋण जिसका कोई सहारा नहीं है उससे पैसा ले लिया और खर्च कर दिया जन्म कुंडली में ऐसा कब लगता है दसवें और ग्यारहवें भाव में सूर्य या फिर चंद्रमा और मंगल हो तो ये ऋण होता है एकादश और दसवें भाव में सूर्य बैठा हो या फिर चंद्रमा और मंगल हो तो ये कर्जा होता है और इस कर्ज से जातक जो ग्रसित होता है उसको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन्नति में बाधाएं आती हैं पैसा रुक जाता है आमदनी नहीं होती हर काम में असफलता मिलती है जानते हुए इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए अपने ही परिवार के सभी सदस्यों से बराबर धन लेकर के मजदूरों को भोजन कराना चाहिए समझ लग गई अब एक होता है अजन्मे कारण। इसका पता कैसे चले किसी का जन्म ही नहीं हुआ है और कर्जा हो गया उसका बारहवें भाव में सूर्य बैठा हो या फिर शुक्र और मंगल हो तो अजन्मे कारण होता है और इस ऋण के वजह से जातक परेशानियों से कर्जों से घिरा रहता है और जेल जाना पड़ता है उसे चारों तरफ से हार मिलती है शारीरिक चोट भी लगती है जानते हैं इससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए अपने ही परिवार के सदस्यों से एक एक नारियल लेकर के पानी में बहाना चाहिए एक होता है ईश्वरीय ऋण कैसे पता चले कि हमारे ऊपर ईश्वरीय ऋण है जन्म कुंडली में छठे भाव में चंद्रमा या मंगल हो तो ईश्वरीय ऋण होता है और इस कर्ज के फल स्वरूप जातक का परिवार नष्ट होता है धन की हानि होती है और बंधु बांधव विश्वासघात करने लगते हैं अपने मित्र ही शत्रु बन जाते हैं इसके लिए क्या करना चाहिए परिवार के सदस्यों से बराबर बराबर मात्रा में धन लेकर के कुत्तों को भोजन कराना चाहिए ठीक है तो ये रहे कुछ ऋण के उपाय अगर आपकी जन्म कुंडली में है ऐसे योग तो उपाय करिए और हमें बताइए उपाय करने के बाद आपके जीवन में इसका असर हुआ या नहीं हुआ तो इसके बाद फिर हम आपको और उपाय बताएंगे हर एक वीडियो को अब ध्यान से देखिए और हाँ हो सके तो किसी की भले के लिए शेयर कीजिए मेरे चैनल की वजह से नहीं करिएगा पहले आप खुद उपाय करिए आपको फायदा लगे तो दूसरों से जरूर करवाइएगा और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले इसके लिए प्रयास करें कि वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो बस विदा लेता हूं आप सभी से फिर कभी और किसी मोड़ पे मिलेंगे नमस्कार